बट पूरी डेगची भर के वैक्स निकले इस पे. हाउ डज ही एक्सपेक्ट पीपल टू डू एनीथिंग? इमेजिन दैट माय आंट वेंट टू लद्दाख एंड बॉट मी दिस. Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video of Hustle with Sara, where you and I we hustle together. मैं जितनी खुश दिख रही हूँ ना उतनी अंदर से मैं काफी confused feelings में हूँ, because आज हम हमारा official moving शुरू कर रहे हैं. Today is the 13th of October. It is 1 November. Dates are so messed up in my head right now. But it's one day after Diwali, और Diwali का मैंने लंबी छुट्टी ली भी है और company में दी भी है ताकि I can move our working space. I really want to finish the shifting before my team joins. The 16th तक I'm giving myself time to like finish everything, मेरी personal shifting, impulse का सारा सामान, सब कुछ. I want to take it segmentally, but currently I'm going to mummy's house because वहाँ पे registration office वाले uncle आए हैं, because they'll do the thumbprint, biometrics, all of that, you know. हर एक घर शिफ्ट करो जब भाड़े पे जाओ तो यू हैव टू डू द बायोमेट्रिक्स ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड द रेंटल टेनेंट, एवरीथिंग, द लीगैलिटीज, सो दैट दे डोंट जस्ट किक यू आउट बिफोर नोटिस पीरियड, बट दे कैन आफ्टर द लॉक इन, यू नो. सो बट दिस अंकल इज डैम स्वीट, द न्यू ओनर इज, आई फील लाइक मेरी मम्मी की बिल्डिंग में सब अच्छे लोग ही रहते हैं, एंड प्लस आई थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज माई पेरेंट्स ओन अ हाउस ओवर देयर, द रिस्पेक्ट दे हैव ओवर देयर फॉर देम इज डिफरेंट देन दे हैव इन अ न्यू बिल्डिंग फॉर मी, बिकॉज वी डोंट ओन अ हाउस इन दिस बिल्डिंग. एनीवे, वो पॉलिटिक्स साइड में रख के हम जा रहे हैं हमारा बायोमेट्रिक्स. मेरी तबियत इज ऑल्सो नॉट द बेस्ट, फीलिंग वेरी फीवरिश. आई एक्चुअली गॉट माई ब्लड टेस्ट डन लाइक लिटरली राइट नाउ, बिकॉज पता नहीं ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत लाइक ऐसा डाउन वाला फीलिंग आ रहा है, फीवरिश, थ्रोट इज इची. आई थिंक एवरीबॉडी इज जस्ट सिक. आज का मेरा एजेंडा है डू सम डीक्लटरिंग, और आज मैं बुक करूंगी कि कल मेरे एसीज रिमूव करने वाले लोग आ जाए. 16th को पापा की टेम्पो आएगी, लकीली फॉर अस वी हैव अवर ओन टेम्पो, सो हमको पैकर्स एंड मूवर्स नहीं बुक करना पड़ता, पापा की टेम्पो आती है. एक्चुअली के सारे वर्कर्स आते हैं एंड दे हेल्प एंड just pack my life in boxes and it happens so fast that I can't process. मैंने last time देखा था कि मेरे mom and dad ने last time एक दिन में मेरा पूरा संसार उठा के यहाँ shift कर दिया था. This time I really want to process what's happening and I want to be in charge of something, especially my personal things, because I have so much stuff you're gonna see in the decluttering. I'm gonna be donating a lot. I'm doing giveaways in my YouTube videos. इसमें भी होगा. और हर एक video this week में there was a giveaway. Instagram पे there are a lot of giveaways going on. Everything that I own, be it furniture or my clothes or my makeup, everything gets donated. I don't sell anything for money. So let's begin this very painful procedure, which is hopefully gonna lead somewhere. And the main thing is ki ye naye ghar mein hum zyada kuch nahi karne wale hain, because this uncle, he's nice and all, but he's also very like particular ki unko unka furniture rakhna hi hai. Abhi unko unka furniture rakhna hai, matlab unka furniture mere aesthetics ke sath jata nahi hai. To abhi hum kuch jugad karenge ki hum unka sara furniture ek room mein shift kar de, to वो रूम बंद कर देंगे. तो इवन दो आई एम पेइंग फॉर अ 2 BHK, आई एम गोइंग टू बी यूजिंग ओनली 1 BHK इन द हाउस, एंड आई विल बी स्लीपिंग एंड लिविंग इन माय पेरेंट्स हाउस. द हाउस इज नॉट फैंसी श्मैंसी मम्मी लोग के घर के जैसे, तो ऑफ कोर्स नहीं है. सो वी कैन मेक इट प्रिटी इफ वी वांट टू, बट आई करंटली माय ब्रेन हैज बीन सो ठंडा, लाइक मेरे कोई भी क्रिएटिविटी उधर फ्लो ही नहीं होने वाला है. अभी तक मुझे कुछ भी आइडियाज नहीं आया कि व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई मेक इट क्रिएटिव, हाउ कैन आई मेक माय फर्नीचर वर्क. हिज फर्नीचर गेट्स लॉक्ड अप इन वन रूम एंड आई हैव अ क्लीन कैनवस, तब मैं सोच पाऊंगी और मैं कुछ कर पाऊंगी उधर. लकीली मम्मी पापा है जर्नी में, तो दे आर मोर एक्सपर्ट इन दिस देन आई एम. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर देम. माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. माय लाइफ्स बिगेस्ट सेफ्टी नेट इज माय पेरेंट्स. दे जस्ट डू एवरीथिंग. Then they're just like, तू टेंशन क्यों लेती है, हम है ना. Sometimes you know, no matter how much of adulting you want to do and take matters in your hand, you just need people to say we'll take care of it, and not like financially, just headache wise, संभाल लो, मुझसे नहीं होगा अब और मुझसे नहीं होगा. 82 kilometers later, I'm coming back here. How does it feel? अच्छा. रजिस्ट्रेशन इज गोइंग ऑन. कम अप, दैट्स सो वेलकम. मेरे खाने के कितने वांदे होते वो घर. बहुत. रिक्शा भाड़ा देने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर नीचे ऊपर नीचे. यू आर एक्साइटेड नो दैट आई एम कमिंग हियर. पाव भाजी है, हर 2 दिन में पाव भाजी बनाते हो तुम लोग. दूसरे दिन को क्या बनाया? एक हफ्ते में एक बार पाव भाजी आता ही है. वॉचमैन अंकल भी खुश है कि मैं वापस आ रही हूँ. फाइनल ऑफिशियल ये. Excellent. The next day. Who's this getting VIP treatment? Who's this boy in the jhula? Bus once only, okay? Bus, I'll keep it, leave it. Yeah.
हाँ कम के डाउन नो वन मोर टाइम नो आई न्यू दैट वाज कमिंग तुमने किए हो ना पहले ये भी मैंने नहीं किया मैंने कभी नहीं की बस अब अभी जाओ मम्मा जा रहे पापा हाउस You're staying here with Nanu and You're liking this way or you're liking the other way? You're asking. You're liking this way. Go. Mama is going. Again. No, bush. I'm staying with Nanu and Nana. Faji, you also want chula? Yeah, come, I'll put Faji also No, inside. No. Stop. Okay, bus, go. Chalo. Okay, done. Mama is going. Okay, bye, Shan. I'm staying with you. Okay, bye. In the night, you sleep, no? Alone? Yeah. Alone, no. With Nanu, he will sleep. Mama, 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 in the night? Yeah. I'm going. What is going to be? Mixer. No, I didn't teach him all of that, okay? You only must have taught all of it. Hey, Satyam, tu bawai. Hum log ne aisa pehle kabhi jhula kiye the usko? Nahin. Usne hi chadar dekh ke wo kiya na. Okay, now your bartan is gone. Why are you putting paisa in that? That is lime squeezer. One thing you big take care. Don't. Is jula no for you? Again, no. Don't drop the tawa on the floor. Jula. No jula, babu. One time jula we did, no? One time. Okay. Ruko. I'm linking. Do you want me to swing it for you like a hammock? Nah, yeah. Swing it. छोड़ो इधर से अच्छा ओके बेचारा फाइनली विद ऑल दिस पसारा जस्ट ईशान कैन यू रिमूव ऑल दिस आउट ऑफ इट गया So we've established that you're sleeping here. This is why I'm beggar, you know, Ishan. This is why I can never sleep in this house. Abhi. Gaya. FOMO is real. करो अच्छा मैं एक आइडिया देती हूँ तुम्हारे को रुक जाओ पहले ये सामान तो हटा अच्छा ये पिल्लो डालो सुनो और अभी तुम ले दो इसके ऊपर और ये सामान तो उठा बस जेठालाल के अभी तुम लेट जाओ इसके ऊपर अरे वापस मत डालना उसके ऊपर तुम एक काम करो मैं को झूला नहीं देने वाला मैग्नेट किधर गया तुम्हारा मैग्नेट पैसे उठाने का मैग्नेट था बहुत आइडिया बहुत आइडिया अच्छा लेट जाओ जल्दी लेट जाओ कटोरी अरे पिल्लो से वजन हो जाएगा ये पिल्लो का झूला नहीं देना This is Mala. Show me pillow. Are all the pillows are there? Ishan, we can't carry with so many pillows. I'm not bodybuilder over here. I'm not going for wrestling, okay? Only the bichara trainer aata hai aur train karta hai. Bas utna hi. Main to laptop hi dar ke mare band kar di. Pata chala wo bhi utha ke अच्छा बस वेरी गुड ओके गुड बॉय अभी झूला चाहिए तुम उसको बोली वन पिलो तो वो सब कैसे होगा अच्छा क्या हो लुढ़क I'm going. Where? My house. Why? You're sleeping in my room. So you also sleep? No. Because you come here, I have to sleep there. You know that? You and your mama and Nanu sleep in our room. Nana room, okay? Yeah. And let Masi sleep in your room. Your room kab se hua, bhai? Masi's room. The next day. Okay, finally we are getting the ACs removed today. It's the 15th of October.
November. I keep saying October, bro. I don't think I'm ever going to accept कि November आ गया है फज. ये एक निकलेगा और ये तो आपको पता है ये भी एक निकलेगा and bedroom वाला भी निकलेगा. तो आज basically मैं सब निकाल जो because कल tempo आएगी and then कल हम tempo के साथ उसको नए घर पे भेज सकते हैं and then नया installation हो सकता है. ये जो hidden expense होता है ना rent पे रहने का, इससे मेरे को बहुत irritation होता है because every time you move a house you have to remove everything and reinstall everything and you have to pay a lot of money to get all of that done. Like this AC must have been removed and reinstalled टू टाइम्स ऑलरेडी एंड ये उसकी तीसरी बारी है एंड एसी भी मतलब खराब होने लगते हैं फिर ऐसा आप इतनी बार वो करो तो फिर गैस लीक होता है. ऑल दैट इज द एडेड अडल्टिंग नाटक जो होता है. इवन आवर ऑफिस टेबल आई थिंक वी विल हैव टू या दैट्स अ वेरी गुड टेबल टू लाइक स्पॉइल दैट टेबल आई एम टेकिंग विद मी फॉर एवर. मुझे एक्चुअली ये बैग में अपनी पर्सनल चीजें भी डालनी है. फज व्हाट डू यू हैव टू पैक एनी क्लोथ्स एनी बिलोंगिंग्स. हेलो ही इज लिटरली मैं अकेले आया था अकेले जाऊंगा वाला प्राणी. यू वांट टू टेक एनीथिंग प्राणी बुली. इट इज गोइंग टू अ न्यू हाउस ऑल ओवर अगेन. बीन थ्रू सो मच विद मी लिटरली एवरीथिंग. डारा एंड आई वर डिस्कसिंग कि मैंने तो इतना काम करा रखा है घर में तो क्या क्या लेके जा सकते हो क्या क्या लगाना चाहिए. वाई शुड वी लीव इट फॉर दिस लैंडलॉर्ड जिन्होंने एक भी चीज का पैसा नहीं दिया. लाइक ये नल से लेके ये हैंड शावर हेड शावर एवरीथिंग आई हैव पुट. दिस कैबिनेट इज ऑल्सो माइन. दिस कैबिनेट तो आई विल ऑफकोर्स टेक मेरी चीजें. इसमें इसके पीछे एक चीप सा मिरर था इनका. लेट मी सी वॉट आई कैन डू बिकॉज नल तो थे उनके खाली अच्छी क्वालिटी के नहीं थे तो मैं ऐसा बिना नल का तो नहीं छोड़ सकता. ये तो अपना ही है. नल वल नहीं है. पेंट है अभी भी अपने पास. नल नहीं है. मम्मी को पूछो मम्मी ने किसी को दे दी थी कि क्या की थी. वो किचन में नहीं है ऊपर कैबिनेट वगैरह में नीचे कैबिनेट वगैरह में. किचन में नहीं है कपड़ा है पोछा. ये सब भी मैंने लगाई थी लाइट्स. ये उसकी लाइट्स एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं थी तो मुझे स्ट्रॉन्ग लाइट चाहिए थी तो मैंने लगाई थी. मेरे को नहीं मालूम. मैं तो सोची थी कि मैं जब जाऊंगी छोड़ के जाऊंगी सब. ये 3 साल के बाद जाने वाली थी ना. प्रो टिप अगर आप किसी रेंटल में रह रहे हो और किसी का निकालो तो प्लीज वो भी मेंटेन करो. जाते समय यू कैन टेक योर स्टफ एंड पुट हिज स्टफ बैक बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव मेंटेन्ड एनीथिंग. सो आई विल हैव टू लीव माय गुड स्टफ फॉर हिम बिकॉज इट्स नॉट लाइक ही डिडंट हैव लाइट्स. ही हैड लाइट्स दे वर नॉट गुड इनफ. तो अभी मैं सब बिना लाइट्स सब लाइट्स निकाल के तो नहीं लेके जा सकती. आई जस्ट हैव टू कीप इट. एंड ऑनेस्टली द लैंडलॉर्ड इज अ मीन मैन बट मुझे ज्यादा पिटी हो रहा है फॉर द फैमिली दैट विल स्टे आफ्टर मी. सो उनके लिए छोड़ के जा रही हूँ. लाइक आई एम टेलिंग माय सेल्फ दैट बिकॉज ही इज नॉट गोना कम टू स्टे एंड ही इज गोना बी मीन टू द नेक्स्ट पीपल हु कम टू स्टे ऑल्सो. सो एटलीस्ट उनको लाइटिंग तो अच्छी मिलेगी. जस्ट ट्राइंग टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स. बिकॉज क्या कर सकते. हु न्यू फज दैट इन 1 year वी विल हैव टू लीव. टेल मी मिला क्या कुछ. यस मेरी माँ जिंदाबाद. यस दीज वर हिज हैंड शावर्स एंड नल एंड एवरीथिंग. प्लीज पुट इट बैक. इंपल्स कैसे लीडर भी है. इंपल्स कितना सामान जमा करते भाई. तो प्लम्बर बुलाओ. ये स्टूडियो रूम की उसके लिए. वन रियली ट्रूली इज स्ट्रेस्ड. व्हेनेवर ही डज दिस ही रियली वांट्स टू हाइड अवे फ्रॉम लाइफ एंड बिकम वन विद द रग. दिस इज हिज कैमोफ्लेज. यस व्हाट हैपेंड. एम आई टेलिंग यू टू पे द रेंट. समथिंग इज देयर इनसाइड. इज योर बॉल देयर. Oh, your ball is there, ma. I thought you were stressed. चलो लेट्स स्टार्ट विद द पर्सनल स्टफ का शिफ्टिंग. ये सब वो नए घर में लगा सकते हैं. सत्यम द स्पाइडरमैन. These were the quality of lights he had, guys. This is what he had. मतलब इधर मेरा chandelier था जो अभी वापस इनकी लाइट जा सकती है इधर. और ये लाइट्स उन्होंने ही दी थी. ऐसे मैं बोल रही थी छोटी छोटी लाइट्स थी. This I don't remember where he had put. याद भी नहीं मैं वो क्या कंडीशन में उसने घर दिया था. But yeah, all this his bulb and his switches and all I've got all this. This is what he had given me. There were no tube lights. तो अभी मेरी ट्यूब लाइट्स मैंने निकाल दी बिकॉज मैंने ट्राइकलर सिस्का की ट्यूब लाइट्स लगाई थी. तो अब मैं नए घर में लगा सकती हूँ ये सब. बिकॉज नए घर में भी हमको कुछ नहीं मिल रहा है. ये सब काम ही आएगा. पे जिनकी जाली भी निकलवाने वाले हम बिकॉज दैट्स ऑल्सो एक्सपेंसिव. दिस इज गोना बी मैडनेस. फज वी नीड अ प्लान ऑफ एक्शन. ओके लेट्स डू दिस. वी गॉट द प्लम्बर. कितना होगा ये सब लगा के निकालने का. और नए घर में लगाने का भी है. वहाँ का तो देखने का मन पड़ेगा. सिंगल लगा डबल लगा पता नहीं. ठीक है अभी आप सिर्फ निकाल के ये लगाने का कोटेशन दो. इलेक्ट्रिक सामान इज रिमूव्ड. एसी इज रिमूव्ड. कर्टन्स आर बीइंग रिमूव्ड. एंड प्लम्बर अभी आए हैं तो प्लम्बर सारे मेरे फिक्स्चर्स भी चेंज कर देंगे. मेरे न्यू फिक्स्चर्स निकाल के पुराने वाले लगा देंगे जो ओनर के थे. अब आई एम पैकिंग माई पर्सनल सामान बिकॉज आई डोंट वॉन्ट के माई थिंग्स गेट लॉस्ट इन दिस शिफ्टिंग.
सो दिस आई एम गोना टेक इन माय कार एंड गो टुडे टू मम्मीज हाउस एंड देन वो जो नया घर है वो तो आपने देखा इतना अच्छा नहीं है बट इट इज अ गुड हाउस इट्स अ स्पेशियस हाउस आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट अ लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट फिट इन दैट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट आई एम गोना रिमूव माय बैग्स माय बैग बेबीज नीड अ सेपरेट सूटकेस बिकॉज़ दे आर वेरी प्रेशियस वेरी वेरी प्रेशियस ये कांच के कैबिनेट को शिफ्ट करना थोड़ा डरावना होने वाला है बिकॉज ये तीनों कांच है तो पापा बोले अनइंस्टॉल करके शिफ्ट करेंगे दैट मींस वापस इंस्टॉलेशन का फी भरना पड़ेगा मुझे बट इट इज व्हाट इट इज माय बैग्स आर रियली रियली प्रेशियस सो फर्स्ट दे आर गोइंग टू गो इन दिस सूटकेस सेपरेटली आई हैव सच अ कलरफुल कलेक्शन ऑफ बैग्स ना नेक्स्ट लेट्स डू माय फुटवेयर दिस क्यूट क्यूट थिंग्स नीड टू गो नाइसली They are always in my bedroom. Just to put his old fixtures back is another 2000 rupees ka kharcha. But I would rather take that 2000 than the 25,000 I spent on the bathroom fixtures when I had put it up. Life is expensive, guys. Don't move out of your parents' house. Bahut mehenga hai ye bahar. I'm also decluttering. Jo bhi main nahi pehenti hu kapde main sab nikal. Now is the time. There's no time like now. I have so many clothes. It's not even funny. Some of the clothes I'm looking at brand new hai. Maine ek baar bhi nahi pehne hai. I don't even see myself wearing it. With a very heavy heart, I'm like just doing away with a lot of stuff. Like these Zara pants, I only wore them once, and I don't like the color of them anymore. So I don't think I'm gonna wear it. Fir ye H&M ki leather skirt. I have another leather skirt from Urbanic which I really like. So I'm doing away with this leather skirt. These are brand new clothes. Like I have cousins and all who are in my size. They will wear it. This Uniqlo pants. Uniqlo sent me a size small so mummy can wear. At least mere cupboard se to nikal jayegi. These joggers and all I wear in the house so even though they are washed out, I don't mind wearing them. Oh my god, this is such an old skirt. Like, this is that forever 21 ka zamana tha, tabhi ka skirt. It's forever 21 and it's from my college days. I wore this to my 13th birthday. Oh my god. I'm doing away with this skirt. My 13th birthday skirt. Oh, you know what? Emotional attachment ke raate pe hum rakhte hain. ये बहुत क्यूट स्कर्ट है ये मैंने दिल्ली जाते समय ली थी बांद्रा हिल रोड से अच्छी आई वेयर इट समटाइम्स अभी ठंडी आएगी तो सारे जॉगर्स काम में आएंगे वाओ दिस ब्लैक ट्राउजर्स आर सो गुड व्हाई डोंट आई वेयर दिस आधे कपड़े ना मेरे हाथ में नहीं लगते इसलिए मैं नहीं पहनती वाओ आई स्टिल हैव दिस ब्लैक पेंसिल स्कर्ट ये कॉलेज की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के टाइम में मैंगो से लिया था मेरी कमर कितनी पतली थी कॉलेज के टाइम अभी भी अगर मैं हाई वेस्ट पहनू तो फिट होता है स्ट्रेचेबल Just sick. I'm realizing that half of the stuff I'm gonna keep. But when you see the decluttering pile, you're gonna be proud of me. ये उसके ओरिजिनल टैप्स है गाइस उसको बंद करने के बावजूद वो चालू ही रह रहा लाइक दिस इज फुल्ली शट एंड प्लम्बर अंकल सेड दिस इज ओनली हाउ इट इज उसका ओरिजिनल हैंड एवरीथिंग इज पुट अंकल आप वाटर सप्लाई बंद कर दो पानी तो नहीं बर्बाद होगा ना वो अभी नेक्स्ट जो भी आएगा रहने वो देखेगा माय कैंडल्स आर बीइंग पैक्ड हियर दिस इज द लास्ट सनसेट वी आर विटनेसिंग फ्रॉम SSS 2.0 टाइम फॉर SSS 3.0 जैसा भी था हमने हमारा बनाया था एक साल के लिए इट्स टाइम टू लीव बट आई नो इट गिव मी अ लॉट आई एम क्रिबिंग बिकॉज इतना फास्ट फास्ट सब करना पड़ रहा है बट आई नो आई मेड अ लॉट ऑफ मेमोरीज गॉट माई गोल्ड प्ले बटन ओवर हियर इट विल ऑलवेज बी स्पेशल फॉर मी टू पैक योर लाइफ इन बॉक्सेस एंड मूव इज नेवर इजी अफोर्डिंग अ हाउस इन बॉम्बे इट्स नॉट इजी इट्स डजंट लाइक इट डजंट हैपन टू एवरीबॉडी सो मेनी फैमिलीज ऑल्सो लिव ऑन रेंट सो मैं अकेली कितना ही कर लूंगी माई पेरेंट्स आर एवरीथिंग दे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हेल्प मी सो मच एट द एंड ऑफ द डे संभालना सब कुछ मुझे ही है एंड चलाना सब कुछ मुझे ही है तो देयर इज ओनली सो मच हेडेक आई कैन टेक अप ऑन माई सेल्फ इसीलिए आई डोंट कमिट टू बाई फिर ये धक्के खाने ही पड़ते हैं एंड थोड़ा क्रिबिंग तो है आई एम ग्रेटफुल आई एम ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटफुल यू आर नॉट सुपर पॉजिटिव ट्राई टू सी द लाइट इन एवरीथिंग दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग मही कि ये घर में मूव होना आई थिंक अल्लाह पाक ने मेरी किस्मत में इसीलिए डाला था कि आई हैड टू मीट यू इन माय लाइफ बिकॉज इफ आई वुड हैव नेवर मूव टू दिस बिल्डिंग आई वुड हैव नेवर मेट मही इन माय लाइफ माय नेबर हु आई बिकेम सच क्लोज फ्रेंड्स विद एंड नाउ शी कैन ऑलवेज बी माय फ्रेंड राइट बिकॉज आई विल ऑलवेज बी इन दिस एरिया ओनली आई एम नॉट चेंजिंग द एरिया बट अभी भी आई वॉन्टेड टू मूव इन माई पेरेंट्स बिल्डिंग ओनली एंड आई फाउंड दिस हाउस आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनीथिंग इन माई पेरेंट्स बिल्डिंग नाउ फाइनली आई हैव फाउंड समथिंग इन माई पेरेंट्स बिल्डिंग
building. So I'm back to where I started actually. This journey of this house only had to happen to meet Maggie. You know, your life is planned. It's a long, long life. So you're going to meet so many people, all types of people, like people like my landlord and people like Maggie, the good and the bad. A little later. Life is back to normal again. The good thing about mom's house, there's always food. ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ दो सूटकेस है. ऊपर है फ्लैट खाली. ये मेरा सामान है जो इधर ही रहेगा. कौन सा सामान है तेरा? कपड़े है वो भी आधे, खाली जीन्स है ये इतने सूटकेस में. और तो बोल रही थी ना डिक्लटर की, तो क्या की डिक्लटर की? उसमें से भी डिक्लटर की, तो सोचो कितना सामान था. तू सोच ले कि तेरे को कितना बड़ा वार्डरोब लगेगा. मैं नल भी चेंज कर दी उसके. क्यों, कहाँ से उठी नल? तुमने रखी थी किचन की कबर्ड में. फिर वो नए नल क्या करने? ऊपर लगाऊंगी. नए नल चेंज किए हुए. हाँ. 2000 लिया प्लम्बर ने निकाल के लगाने का उसका पुराना. सबका 2000 एसी, हर एसी का 2000 इसका. रेंटल पे यही होता है, हिडन एक्सपेंसेस ये पता ही नहीं चलता. वी आर बैक टू द रूम. जाइए, यूट्यूब चैनल शुरू हुआ था. अ गर्ल जस्ट लाइक यू. वन मेंटल ब्रेकडाउन लेटर आई हैव सेट अप द प्लेस अ लिटिल बिट. माय लिप बाम्स आर हियर, आई हैव पुट दैट माय हैप्पी प्लेस टैग. इधर मेरे परफ्यूम्स है. दिस इज माय गो टू स्किन केयर. सो आई एम नॉट अ लो मेंटेनेंस गर्ल, वी ऑल नो दैट, बट आई मेंटेन माय सेल्फ, सो दैट्स ओके. देन आई हैव गॉट माय डेनिम्स हियर बिकॉज मेरे हैंगर्स नहीं आए अब तक. मम्मी ने पूरे कबर्ड्स खाली कर दिए थे. अभी के लिए खाली ऐसी रखी है चीजें. कल जब कार्टन आएंगे, दैट्स व्हेन द मेजर शिफ्टिंग इज गोना हैपन. आई एम करंटली लाइक इन माय पजामास बिकॉज़ इट्स लाइक 1:15 इन द नाइट. आई वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस, आई हैव पुट माय बैग्स हियर इन दिस वार्डरोब. वी हैव गुड वार्डरोब्स बिकॉज ये मेरा और मेरी बहन का रूम हुआ करता था. ये मेरा वार्डरोब था और ये मेरी बहन का वार्डरोब था. शी एंड ईशान वर यूजिंग दिस रूम फॉर अ गुड 2 years व्हाइल आई वाज नॉट लिविंग हियर. वी हैव माय बैग्स ओवर हियर एंड वी आर बैक हियर. पता है मम्मी ने अभी तक मेरे पुराने झुमके भी रखे हैं. लाइक ऑल दीज इयररिंग्स आई सॉ एंड रियलाइज्ड, ओ माय गॉड, दिस इयररिंग आई बॉट फ्रॉम लिटिल फ्ली. जब मैं पहले बहुत ज्यादा लिटिल फ्ली, अभी बहुत गर्दी होती है तो आई डोंट गो. बट लुक एट दैट, ओ माय गॉड, दिस वाज माय फर्स्ट एसबेडा वॉलेट. एस फेलो, नॉट एसबेडा, एस फेलो. एंड लाइक ब्रांडेड चीजें, लाइक ये 2000 की वॉलेट भी मैंने इतना जिगर को लगा के रखी थी. एंड देन इट स्टार्टेड लाइक पीलिंग आफ्टर अ गुड, लाइक आई रगड़ाउड इट अ लॉट. तभी के लिए काफी बड़ी भी थी. आई हैव सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव सो मच मेमोरी ओवर हियर दैट आई डोंट हैव द हार्ट टू डिक्लटर दिस ड्रॉल. आई ऑल्सो हैव दिस कॉर्क फ्रॉम माई पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी 17 May 2015. उनकी 25th एनिवर्सरी थी और हम लोग ने एक फ्रूट शैंपेन खोला था. एंड तभी दिस कॉर्क हैड कम आउट एंड आई हैड केप्ट इट एंड मार्क्ड. यू नो दीज थिंग्स क्रिएट सच ग्रेट मेमोरीज. And this is from when we went family trip to Mysore Palace. Oh, look at Mama used to look so... मेरे सर पे बाल थे गाइस, दैट्स व्हाट आई मीन. यू नो आई हैव लॉस्ट ऑल माय हेयर इन ऑल दिस अडल्टिंग. दिस इज द स्ट्रेस लीड्स टू दिस. बट आई फील लाइक मैं सेम ही दिखती हूँ ऑलमोस्ट. एंड सबू एंड मम्मा लुक सो डिफरेंट. ऑल ऑफ दीज आर फ्रॉम देयर ओनली. Oh my god, this is a photo nobody wants to see. Wow. The next day. तो दोनों कैमरा निकाल दो और जितनी भी लाइट आपको दिख रही है ना, ये सीलिंग छोड़ के ये निकाले आपने वो कॉफी बार के ऊपर अपने पास कुछ प्लास्टिक या कुछ है तो इसको ये सब लोड करो गाड़ी में और इसको पैक करो. इसको वैसा पैकिंग करना सामान है. कार्टन्स में मेकअप भरने लगो. मैं क्लिंग फॉइल मंगाई ना उससे. क्लिंग फॉइल में क्या भरोगी? सील कर दूंगी ना बॉक्सेस को. ऑर्गेनाइजर को एक एक सील कर देंगे ना ऐसा. बट जस्ट टेक इट एंड पुट इट इन द कार्टन, यू डोंट हैव टू सील इट. इम्पल्स का सामान जाएगा. पापा ये नेक्स्ट भिजवाओ इम्पल्स का. ये तीनों इम्पल्स स्वेटशर्ट और कोट और ये बट एक्चुअली उसको रिकनेक्शन के लिए आना पड़ेगा. अंकल इसके ऊपर कॉर्नर पे भी लगा दो ना, ये खराब होएगा नहीं तो. हाँ ये कॉर्नर खराब हुए तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा. रहने दो उसको. देखिए ऐसा ले रहे, ऐसा ले और इसके ऊपर टेप मार. हाँ अपने को एकदम अच्छे से पैक करने का. ऐसे ही जाएगा तो ये सब खराब हो जाएगा. ये अपन बंद रखने वाले हैं इतना. ये रखेंगे. दिस आई एम वेयरिंग अ साइज स्मॉल नो. हां वो घर में सबरीना से, जो वो घर में मेरा था एक्सेस पे एक्स्ट्रा स्मॉल. यस आई वाज थिंकिंग सिंस मॉर्निंग आई थिंक सबरीना दिस इज इट वाज इन द ड्रॉअर फॉर स्पोर्ट. ओह इज दिस योर्स?
No, no, I wore it yesterday. तुम बताओ ये जाएगा इसको निकाल दो निकाल दो इसको निकाल दो और सब जो जो अपना ही है सब सब निकालने का है ये तो तुम्हारा महाशय ये तुम कैसे पैक करोगे इतना बड़ा बड़ा बनाने कौन बोलता है बिना कॉफी के वो भी सोच The end of an era. I am losing my first studio. Fake Louis Vuitton को सभी खरीदने का पैसा नहीं था. I'm gonna change my shirt to a size. Literally like अपने की खींच. मेरे पास कितने मालूम मेरे कबर्ड में. I think आधा तो कल impulse का ही सामान निकला. इतनी बार मेरे को नहीं मिलता मैं नया ले ये दोनों पैक करो फिर वो टेबल है ना वो भी पैक करनी और वो साइड टेबल है उधर छोटी वाली फैंस अपने कि उसके है द ग्रेट मिरर इज बीइंग मूव्ड इसका तो अलग ही टैक्टिक है हाँ हाँ निकालो निकालो आइकॉनिक मेरा नियॉन साइन मेरे को मां रिप्लेस करके चाहिए अलग से मिल रहा है कहीं पे घर के साथ यस प्लीज आप भी समझे क्या पूछी उसने आपको माल रिप्लेस मिल जाएगा क्या माल रिप्लेस माल नहीं माँ माँ रिप्लेस करके चाहिए माल माँ का और माल है कहीं पे स्टॉक अवेलेबल कितने सब्सक्राइबर्स रेडी है मुझे लेने के लिए प्लीज प्लीज एक दिन में बेजार जाएंगे तुम्हारे से सुबह से मम्मी अलग टास्क दे रही है पापा अलग टास्क दे रहे हैं शी विल नेवर एक्सेप्ट हर फॉल्ट्स नेवर दो बीपी की गोली खाना चाहिए क्यों नहीं निकल रहा निकलेगा हाँ आप खींच दो वैक्यूम हो गया होगा हाँ वैक्यूम हो गया यस So this all you want to keep? These are my gym clothes. Haan. These are my gym clothes. For wow. For the gym part. इसमें अब वही चीजें डालो जो इसमें से आपको चाहिए. Okay ma'am. Jacket. One. Jacket. Two. Jacket. Three. Not needed. कॉलेज की शॉर्ट्स फेंक रही हूँ अरे रख इतने प्रिविलेज बच्चों को मिलता है जाने के लिए वहाँ आधे तो चीजें इमोशनल अटैचमेंट की वजह से रखी हूँ मालूम है ये लद्दाख गई थी लैरिसा क्या लेके आई थी माय आंट वेंट टू लद्दाख एंड बॉट मी दिस इज व्हाट शी गॉट मी एंड आई हैव केप्ट इट आई हैव नॉट वोर्न इट आई जस्ट केप्ट इट आउट ऑफ इमोशनल अटैचमेंट मम्मी यू वांट दिस नेक्स्ट सो दिस इज योर्स एंड इट्स इन माय कबर्ड आई हैव आउटग्रोन दिस साइज दैट्स व्हाई आई गेव इट प्लीज इमोशनल अटैचमेंट नो आई हैव नन फ्रॉम यू इमोशनल अटैचमेंट थैंक यू ये क्या करने का इसमें क्या इमोशनल उधर विंडो एसी पे भी ये लगाएगा उधर भी है ना एक लाइट भी कितने मिलते वही तो यूज ही नहीं होते जो नए लाती है वही पहनती है सामने जो पड़ा रहता है वही पहनती है आप सब ये आईना वाइना निकाल लो इलेक्ट्रिक का कुछ भी नहीं बचा आईना टीवी टीवी शकील भाई टीवी I'm doing all right without you, baby. Hope you don't know just how to okay. Took your number off my phone. I'm doing better on my own. Not generously, I donate कर रही हूँ Impulse का तुमने कितने सारे t-shirts ले चुके हो? Hoodies और मेरी कंपनी है. मैं अली का है. Emotional touch. Yes. Please save this and take it down. Here are the rules for today's giveaway. You have to be subscribed to my channel, of course, but also be subscribed to Impulse Coffees as well as the Mummy Logic and comment your favorite moment in today's vlog. For a bonus entry, you can follow Sara Sarosh, Impulse Coffees and the Mummy Logic on Instagram and the winning comment will be pinned. All the very best. This table also, you want to take Akha or you want Akha, to... Isko Akha lene. Yeah, Akha lene. Wo dismantle ho gaya table. Ye dekho, uska aina versus mera cupboard with aina. Very good, Rajkumar uncle.
प्लीज टेक एवरीथिंग, ऑल इज राइटफुली बिलोंगिंग टू अस. पैक कर दो, पैक कर दो. सी सीधा मेरा सेल्फी आई वुड हैव गॉटन गाइस इफ वी वुड हैव केप्ट दिस मिरर. इमेजिन द स्किन केयर वीडियोस वी वुड हैव शॉट हियर. इमेजिन, यू नो दिस टैप इज लीकिंग, वी हैव शॉट द वाटर सप्लाई इन द बाथरूम. Oh, that's why water is not coming. And if I would tell him, he would be like, that's not my concern. He literally told me that. I am going to tell that Suman ki kisi ko na tum wo karke mat flat diya karo. Flat mein kitna problem hai, sabko bol ke diya karo. वही ना, टेनेंट्स को वो कुछ भी बताता नहीं है. राजकुमार अंकल, अपने को कबूतर का नेट निकाल के लेके जाने का है नए वाले घर में, अपना ही. उस्मान अंकल को क्लिंग फॉइल लेने भेजे तो कितना सारा मम्मी को रैप करके लेके जा सकते हो. सत्यम, इसको आप इसमें डालो. ये ग्लासेस ले सकते हो. या दैट्स व्हाट द शॉट, बट पुट लिटिल बबल रैप ऑन दैट आल्सो. सत्यम, गिव लिटिल बबल रैप. आई रिमूव्ड ऑल माय फ्रिज मैग्नेट्स. हां पापा बोलो. उधर फिटिंग करने का है कि? हां उधर फिटिंग. नहीं 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 नहीं, उधर फिटिंग करेंगे. वो फिटिंग करेंगे कि नहीं उसकी गारंटी मैं अभी से नहीं दे सकती हूँ, बट खोल के लेके जाओ वो उधर. पहले मेरे को वो घर में सब फर्नीचर आएगा, फिर मेरे को समझेगा कि मैं क्या कर सकती हूँ. अभी सिर्फ लेके जाओ. यहाँ पे का तेरे को ये सब बॉक्सेस में भरने पड़ेगा. इट्स ऑलरेडी एम्प्टी. अच्छा ओके, वही शूज बचे हैं. इसको खोलो, सूटकेस में शूज डालती हूँ. वन कबर्ड इज लेफ्ट, वी हैव मोर कार्टन्स. हाँ गेट कार्टन्स. झाड़ काट रहे ऐसा इतना जालिम तरीके से मत काटो, थोड़ा नरम दिल से काटो. इतना उगाई थी मैंने. Whose father-in-law left money for me? Please tell me. Sitting on the floor and having chai, guys, cannot deal with my mother anymore. This is how we pack my makeup cling foil में. इसलिए इतना क्लिंग फॉइल लाया था. सारे ट्रेज ही डायरेक्टली लेके जाते हैं, एक एक चीज निकालने की टाइम नहीं किसी के पास. मेरा झाड़ बॉल्ड हो गया. प्लीज ब्रिंग मी डाउन. जंप. जंप कर लिया. दिस इज अ बेटर पोज फोटो. बाय. मेरी येलो चेयर जा रही है. कितने घर घूमे ही है. देयर सम फर्नीचर दैट आई एम इमोशनली अटैच्ड टू एट दिस पॉइंट. गुड थिंग वी हैव आवर ओन टेम्पो. इमेजिन द पोर्टर फीस आई वुड बी पेइंग. बाय. उस्मान अंकल इज अ प्रो ब्रो, इज द बेस्ट. दिस इज द बेड दैट ही गेव मी विद द हाउस. उसका ढांचा देखो ऐसा था. इस पे एक पैर रखी थी मैंने और आवाज आ गई थी मैंने, इसलिए आई डिसमेंटल्ड द बेड एंड पुट माई ओल्ड बेड. इस पे हाउ डज ही एक्सपेक्ट पीपल टू डू एनीथिंग. इमेजिन दैट. लाइक आई जस्ट स्टेप्ड फुट अलोन. लेट्स आल्सो स्पेसिफाई दैट ऑन दिस एंड इट मेड नॉइज. तुम अगर वो घर डाल दोगी ना रेंट पे तो मैं घर खरीद लूंगी. इसके लिए बड़ा एकदम मेरे लिए ओवरऑल सब. So glad we put this back. This is how we got it. This is how we give it back. Bed. I will see you in the on the other side. They were waiting for me to say bye. Usbar uncle is like, bed is going. And all my clothes. Only a fraction of them actually. Where is my backpack, mother? My camera was in. Dabadu. Mardu. मेरी सारी बाथ एंड बॉडी वर्क्स की कैंडल्स में जो थोड़ा 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 बचा है उसको मैं कब से मेल्ट करना चाहती थी. आज फाइनली हम करने के लिए रेडी. हेलो मैम, सैटिस्फाइंग पार्ट. फटाफट 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 काटते जा रही था. ये वाला मैंने पूरा खाली कर दी. व्हाइट मोहगनी टी कोड. अभी पेरिस कैफे और देखते हैं क्या फ्रेग्रेंस बनेगा इस सब को मेल्ट करके. इसमें ओशन है, पालो सांटो, आई हैव ब्लैक बेरीज एंड फ्रूटी ही नहीं. ओशन एंड ऑल इज लाइक थोड़ा मस्त एंड ऑल ऑल्सो. मेरे तोप में मैं जमा कर रही हूँ. Can you believe ये सारी candles actually non-burnable थी because इसमें सिर्फ वो थोड़ी थोड़ी बाती बची थी. Like after a certain point it doesn't burn. This one we didn't melt because of course बची है. But these all had only that much ये wick जितना और वो जल नहीं रही थी. But पूरी डेगची भर के wax निकला है. सोचो 1500 की candle पूरी हमने वसूली end तक. इसका तो दो और candle बन जाएगा. आराम से रह. इट्स कॉल्ड फुल पैसा वसूली. दीज टू आई लाइक, सो वील रीफिल दीज टू कंटेनर्स एंड दीज आर ग्लास जर्स. अमेजिंग. दिस एंड पालो सांटो. पालो सांटो की प्रिटी है. प्रिटी पैकेजिंग वाले लेंगे ना हम. कभी भी डोंट वेस्ट योर बाथ एंड बॉडी. मेल्ट देम. देखो कितनी सारी वैक्स निकली.
ये मेल्ट होके क्या बनता है गाइज और क्या खुशबू आ रही है उसके लिए आपको शॉर्ट्स देखना पड़ेगा बिकॉज आई एम गोना गो टू माय मम्मीज हाउस एंड मेल्ट दिस. अभी यहाँ का गैस सप्लाई हमने बंद कर दिया बट वी विल टेक दिस विद अस. माय बारबी बेडरूम इज ऑफिशियली एम्प्टी हो गाइज. पूरा का पूरा खाली हो गया. खाली थोड़ी मेरे जूते वगैरह बच्चे ये सब कुछ खाली हो गया. आई रियली आई एम गोना मिस दिस व्यू यू नो. आई एम गोना मिस इट अ लॉट. काफी सुंदर व्यू है. लेटर दैट सेम इवनिंग गाइज यू ऑल हैव टू बी सो प्राउड ऑफ मी. इतना सारा अब तक मैंने निकाला है और इतने सारे बैग्स अभी भी अनबॉक्सिंग के लिए बचे हैं. अनबैगिंग के लिए बचे. दीज आर द क्लोथ्स आई हैव रिमूव्ड टू डोनेट. क्लोथ्स मम्मी के बैग्स भी मैंने निकाल दी. द ऑर्गेनाइजिंग एंड अनऑर्गेनाइजिंग एंड रीऑर्गेनाइजिंग. यू शुड हैव बिकम अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर. इट वाज नॉट इन ट्रेंड नो ड्यूरिंग आवर टाइम्स. नॉट इन ट्रेंड. अच्छा यू नो नाउ पीपल हैव फुल फ्लेज्ड बिजनेसेस. आई नो सीरियसली दे चार्ज अ बॉम्ब यू नो दैट. दिस वैनोजन का शर्ट. यस दिस इज ऑल एवरग्रीन मम्मी. यू नीड टू दिस हैज टू बी ड्राई क्लीन्ड. इट्स बिकम येलो बिकॉज़ यू ऑल डोंट वॉश इट प्रॉपर्ली. जस्ट शट अप. Cleaner than me, nobody washes. Okay. These are all your two-piece bikinis and all that. Yes. Zara and H&M are selling you purane fabrics. Itne achhe hote the. Achhe the. Ye top. Socho ye 4 saal Zara ka purane. Itni baar dhoyu abhi bhi. It's good. No keep it. Just keep. And nowadays Zara fabrics, within one wash only, they become like bakwas. All this is to donate. Ye sab bhi khulega. Aur upar ke ghar mein bhi bahut sara saman hai. Mummy is like bringing things for me over here in piles and I'm decluttering it. That's what's going on right now. It's like 10:15 ho raha hai but mere maa baap को बिल्कुल सुकून नहीं दे. लाइक तू कर तू कर तू कर करके खत्म कर. द नेक्स्ट डे थैलियां खत्म ही नहीं हो रही है मम्मी. कितनी थैलियां हम लोग ने ऑलरेडी अनबैग की. मेरे कबर्ड भर गए. But still, there's a long way to go. I'll show you the long way still left. It is 1, 2, and then, ये क्या है? It's an endless journey. And this is our temporary office बन गया इधर ही. Good thing. I don't want to do this anymore. I sign out of this life. Oh, what? Come here and decide just what you want to discard. That's all. I even have brand new clothes in wrong sizes that I've bought, you know. And they are with the price tag, but they're not in my size. They're like extra small manga leti hu online. Medium, jo abhi mujhe medium nahi hota. Like random cheeze hai. Matlab mere cupboard se kya kya nikla hai. Just bahar se hai. Haan, mujhe bahut sardi hai. I'm honestly not good at this, guys. I'm very, very grateful ke mummy, Sakshi, Papa, in looks up, they are very good. And dad has his team of people who are really, really good. Because this is not my expertise. I'm good at a lot of things, but not this moving business. I'm grateful I have them because otherwise I would be going. मैं literally इस mess में सो जाती हूँ ना. Even though मेरा obsessive compulsive cleanliness trait bother करता, I would hire people to do this for me, but I would not do it myself. Tell me what you are good at. I'm good at a lot of things. Okay, mother. Please. I can swim. Can you swim? Yes. You can't even float. I can just walk in the water. That was also short. Shallow mein khatam ho jayega tumhara. Alright guys, I'm gonna end this vlog right here because ye shifting is an endless process. I don't know next vlog mein hum kya situation pe shuru karenge, but for today I'm done. Like I have not done anything, but I'm done. There's just so much stuff everywhere and we need to get our stuff together before I can tell you all anything ahead. Kuch bhi life update dene se pehle. Like main डर रही ऊपर के घर में जाने बिकॉज इतना सामान है. साक्षी बोल रही थी अभी उन लोगों के पास जगह नहीं तो उन लोग रूम में स्टफ कर रहे हैं. लाइक मेरे को जाने का ही नहीं ऊपर देखने के लिए क्या हालत है. सो आई होप यू ऑल एंजॉयड माय मिजरी थ्रू दिस व्लॉग एंड आई नो आई क्रिप्ड अ लॉट बट दिस इज द वन थिंग आई डोंट एंजॉय डूइंग. सो इट इज व्हाट इट इज. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो. सब्सक्राइब शॉट गोस टू यूजर IH9 समथिंग समथिंग समथिंग. आप लोग को अपना हैंडल चेंज कर लेना चाहिए वो यूट्यूब के सेटिंग्स में जाके. सो एक्चुअली नो योर रियल नेम बट इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब. Shout out, you know what to do. Hit subscribe button, bell icon right next to it. Also, you comment down below saying hashtag Sara Squad and search for my next video, Sara Squad. Shout out. I will see you guys very soon in another video. Bye, guys. Love you. Yes, actually. Keep.